Hello everyone, welcome in the 9th maths class chapter 4 linear equations in two variables. Students, whenever we are starting a new chapter, first of all we have to try to understand the meaning of the chapter, and this chapter is related to the algebra. It's a branch of mathematics, and under this, with the help of constants, variables, addition, subtraction, multiplication and division, we can write an algebraic expression. Like x raised to the power 3 by 2 plus 3x raised to the power minus 1 minus 4 एक्सेट्रा. और जब हम इस पावर को या वेरिएबल की पावर को थोड़ा और सुंदर बना देते हैं, मीन्स सुंदर से मीन मतलब क्या है, होल नंबर्स में कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है. लाइक दिस, एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 3x माइनस 4. ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स हम कैसे फॉर्म करते हैं और पॉलिनोमियल्स कैसे दिखते हैं, और इन पॉलिनोमियल्स को हमने अकॉर्डिंग टू टर्म्स डिवाइड भी किया था और अकॉर्डिंग टू पावर्स भी हमने इनके नेम्स देखे थे. मीन्स हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया था. तो वहाँ जब हमने इन्हें क्लासिफाई किया था, तब हमने देखा था कि अगर अकॉर्डिंग टू पावर हम इनके नेम्स रखते हैं, तो किसी भी वेरिएबल की पावर पॉलिनोमियल में अगर 1 होती है तो वो लीनियर होता है, पावर अगर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होता है, 3 होती है तो क्यूबिक होता है, लाइक दैट. तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हमने देखे थे, उनके नाम भी हमने सीखे थे. सेम वही पॉलिनोमियल्स को हम इज इक्वल टू अगर 0 लिख देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्वेशन में. लाइक दिस, जैसे हमने ये पॉलिनोमियल लिया है, इसे अगर हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली वही हमारा पॉलिनोमियल ले लेंगे एंड इज इक्वल टू हम 0 लिख देंगे, तो ये कन्वर्ट हो गया पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन में. दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि इक्वेशन में एक इज इक्वल टू का साइन और एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास में, ये इज इक्वल टू का साइन, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं और राइट हैंड साइड में यहाँ इज इक्वल टू 0 है बट कुछ वैल्यू हो सकती है. तो जिसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज होती हैं और एक इज इक्वल टू का साइन होता है, वो क्या हो गया हमारा इक्वेशन. तो यहाँ से अब हम अपने चैप्टर को कोरिलेट करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में भी एक इक्वेशन वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसे अपने प्रीवियस चैप्टर से रिलेट करके पहले उसका हमने एक रिवीजन किया. नाउ कम टू द वर्ड्स ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर. फर्स्ट इज लीनियर. नाउ लीनियर वर्ड का जो इनिशियल है वो लाइन से बना है, और लाइन मीन्स होता है अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो लीनियर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा. और पावर की अगर हम बात करें तो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी यहाँ पे. तो लीनियर हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 2x. यहाँ वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 है, 1 को हम लिखते नहीं हैं, और ये हमने कर दिया प्लस 3. अब नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस. सो इक्वेशन अभी अभी हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमने इज इक्वल टू 0 लगा दिया तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. तो ये जो हमने लिखा है 2x प्लस 3, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ हमने इज इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में, राइट. नेक्स्ट वर्ड्स आ रहे हैं हमारे टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हमें पता है जिनकी वैल्यू वेरी होती है, इन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ अपने पॉलिनोमियल में कर रखा है. और ये ही सेम अगर हम ले लें
2x, लेकिन ये तो हो गया एक वेरिएबल और हमें चाहिए टू वेरिएबल्स, तो हमने यहाँ पे एक और इंक्लूड कर दिया 3y = 0। तो अब ये हमारा हो गया इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम इन सारे वर्ड्स को अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास में हमारा चैप्टर नेम आ गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो ये तो इसका सारा चैप्टर का मीनिंग हो गया जो हमें देखना था। अब कुछ एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि रियल लाइफ में हमें ये कहाँ पे यूज़ होता है और हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वील टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल्स, राइट। सो वन गर्ल नेम इज पिंकी। सो पिंकी वेंट टू द स्टेशनरी शॉप, परचेस्ड 4 सेम काइंड ऑफ पेंसिल्स। शी गेव ₹30 टू शॉपकीपर एंड ही रिटर्न ₹10 टू पिंकी। तो पिंकी जो है गर्ल का नेम है, वो स्टेशनरी शॉप पे गई, उसे कुछ पेंसिल्स परचेज करनी थी और पेंसिल्स उसने सेम, उसे सेम एक ही टाइप की पेंसिल लेनी थी, तो उसने वो पेंसिल्स 4 पेंसिल्स को परचेज किया और उसके पास में ₹30 थे जो उसने शॉपकीपर को दिए, तो शॉपकीपर ने उसे ₹10 रिटर्न किए। अब इस सिचुएशन को, ये डेली लाइफ में सिचुएशन होती रहती है, इस सिचुएशन को हमें हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, 4x + 10, 4x पेंसिल की कॉस्ट हो गई, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, हमें ये पता है कि 4 पेंसिल्स पिंकी ने परचेज करी। तो हमने मान लिया कि x कॉस्ट है पेंसिल की, तो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 4x हो गई 4 पेंसिल्स की, और ₹30 उसने दिए थे पिंकी ने, तो शॉपकीपर ने ₹10 रिटर्न किए थे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे पिंकी का की मनी है कि 4x + 10 उसके पास रिमेनिंग है, और ये जो है वो शॉपकीपर को उसने दिए थे तो रिटर्न किए। इस तरह से हमारी जो ये इजिकल टू साइन के साथ में इक्वेशन बैलेंस हो रही है, वन साइड पिंकी की वैल्यू है और अनदर साइड शॉपकीपर के पास जो मनी गई थी वो है, और अब ये दोनों ही बैलेंस है, राइट। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ हमने एक ही वेरिएबल यूज़ किया। अब इसी सेम सिचुएशन को हम अगर टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए क्या सिचुएशन हमारी चेंज होगी, लेट्स सी। पिंकी वेंट टू स्टेशनरी शॉप, परचेस्ड 4 सेम काइंड ऑफ पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। शी गेव ₹30 टू शॉपकीपर एंड ही रिटर्न ₹7 टू पिंकी। थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई, अब पिंकी स्टेशनरी शॉप पर गई और उसने 4 पेंसिल्स के साथ में 3 इरेजर्स भी परचेज किए, और वही सेम मनी जो उसके पास थी उसने ₹30 शॉपकीपर को दिए और अब शॉपकीपर ने उसे ₹7 रिटर्न किए। इस सिचुएशन को हम अगर अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 4x + 3y = 30। यहाँ x जो है वो एक पेंसिल की कॉस्ट है एंड y जो है वो एक इरेजर की कॉस्ट है। अब वो कुछ भी हो सकती है, पर हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। साथ ही हमारे पास में दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो ये जो हमारी सिचुएशन हो गई वो हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दिस, अब हम ने जब ये देख लिया कि इनकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या हैं, कैसे हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमने जब रिप्रेजेंट करा तो हमें इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। सो सॉल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, दैट मींस हम जो सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करते हैं वो इसका एक सॉल्यूशन हो गया, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड करने का, और इसी सिचुएशन को हम ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो हो जाएगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम ये दोनों ही सिचुएशंस देखते हैं, पहले हम इक्वेशन जो कि हमारी वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में है उन
को हमने सेपरेट ले लिया है और उनका सॉल्यूशन फाइंड किया है एंड देन उसके बाद हम उसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमने एक एग्जांपल ले लिया, 2x + 6 = 0। जैसा भी हमने देखा, हमने एक नई इक्वेशन ले ली यहाँ पे। इसे अगर हम x के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेरिएबल एक है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x हमने यहीं रहने दिया, = 0। 6 जो है राइट हैंड साइड आ गया, -6 हो गया, x से 2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया, x = -6/2। फाइनली x = -3 हमारे पास वैल्यू आ गई कैंसिल आउट होने के बाद। तो ये एक वैल्यू आ गई, ये एक सॉल्यूशन आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब सेम यही सिचुएशन हम टू वेरिएबल्स के लिए भी देख लेते हैं। हमने अगेन एक इक्वेशन ले ली, x - 2y = 0। यहाँ पे भी हम x के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, बट यहाँ हमें x और y दोनों की ही वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है हमें पता नहीं है। तो हम वन साइड हमने x को रख दिया और अनदर साइड हमने क्या करा, y को, x = 2y आ गया हमारे पास। अब हम इस x = 2y से हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जब दोनों की ही वैल्यू चाहिए तो हम एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए। वहाँ पे एक वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे और दूसरी y की जो वैल्यू आएगी उसे हम सॉल्व करते जाएंगे लाइक दिस। जैसे हमने एक ही टेबल बना ली x एंड y की। अब जो ये हमारी इक्वेशन आई x = 2y, हमने इसे फर्दर सॉल्व किया है। इसे अगर नहीं सॉल्व करें तो भी डायरेक्टली हम इस इक्वेशन में, इसे मैं एक नेम दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, यहाँ हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ये हमने ले लिया x = 2y, यहाँ हम x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो देखिए ये जो 2 है ये 0 के नीचे आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में y = 0 हो जाएगा। तो हमने अपनी टेबल में एक वैल्यू 0 लिख ली। अब हम यहाँ वैल्यू अपनी प्लेस करते जाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस की x की 1 प्लेस की, तो यहाँ हो जाएगा ये 2y और ये जो 2 है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ इस सिचुएशन में y = 1/2 आएगा। हमें वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हम ये नहीं लेंगे ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे हम x की वैल्यू 2 रखते हैं। तो उससे हमारी सॉल्यूशन हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। ये 2y हो गया, ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में और y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। जब कभी भी हमें इसे x और y की वैल्यूज़ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें मिनिमम 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। 2 वैल्यूज़ से हमारा काम हो सकता है, हम उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 ही वैल्यू ली हैं। वैसे हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की। जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास में y की वैल्यूज़ आती जाएगी, पर अभी हम 2 ही वैल्यू ले रहे हैं। और कैसे हमने सॉल्व किया ये आपने अच्छे से देखा, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस भी हम इससे रिलेटेड करेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इनका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। तो x और y की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इनको, इन्हें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का मेथड भी हम देख लेते हैं। ये तो हुआ हमने इन्हें सॉल्व करके वन वेरिएबल में x की वैल्यू फाइंड की एंड टू वेरिएबल में हमने x एंड y दोनों की ही वैल्यू फाइंड की। तो जब हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ x की वैल्यू आई हमारे पास, तो जब रिप्रेजेंटेशन की बारी हमारी आ रही है उस सिचुएशन में, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, उस सिचुएशन में वैल्यू क्या आई थी हमारी, x = -3 आई थी, राइट। तो जो हमारी नंबर लाइन है उसमें हमारे पास में 2 साइड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सेंटर में 0 होता है। तो यहाँ पे हम इसे x = -3 को बहुत सिंपली डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस। ये 0 से हम चले -3 पे, क्योंकि x, ये जो एक्सिस है वो x एक्सिस ही शो करता है। अभी हम जब ग्राफ पे 4 क्वाड्रेंट्स के साथ देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी हम इसे x एक्सिस मान लेते हैं, राइट। और यहाँ पे ये हो गया 3, तो ये हमने एक पॉइंट मेंशन कर दिया, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा हो गया -3, x = -3
माइनस थ्री, राइट। तो ये हमने सिंगल लाइन के ऊपर एक वैल्यू x की रिप्रेजेंट कर दी। अब जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हमें x और y दोनों की ही वैल्यू ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करनी है, तब हमें अपना ये वाला ग्राफ लेना होगा जिस पे एक ग्राफ पे हम प्लस फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हम अपने प्रीवियस चैप्टर में ये देख चुके हैं और उसी से रिलेटेड। और ये जो हमारा होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इन पर हम अपने कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या थे, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्स और वाई फर्स्ट सिचुएशन में हमारे 0 and 0 थे, सेकंड में 2 and 1 थे। तो यही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया 0 and 0 एंड देन 2 and 1। 2 तो ये है हमारा और 1 ये है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से, तो ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा हो गया एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करके उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना। एक स्ट्रेट लाइन आई हमारी, क्योंकि लीनियर है जो लाइन से बना है और यहाँ इसका ग्राफ तो हमें स्ट्रेट लाइन ही आना है, राइट। सो इन दिस वे हमने ये चैप्टर के ईच वर्ड को समझा। फिर हमने लीनियर इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाई, और इस पूरे चैप्टर को हमने अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ में कोरिलेट भी किया। जबकि हमने पॉलिनोमियल सीखा था और जब हमने ग्राफ के ऊपर इन सब पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना भी सीखा। ये ही सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं अब हम आगे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। सो हेयर एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, अप टिल जस्ट रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। थैंक यू।